हिंडौन रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त पानी नहीं होने की वजह से दूर दराज से आने वाले यात्रियों को काफ़ी परेशानियाँ होनी पड़ती है, जबकि वहाँ के स्टेशन मास्टर का कहना था कि हमें 35,000 पानी लीटर मिलता है, जबकि 1,20,000 लीटर उनको पानी उपलब्ध होना चाहिए था, जिसके कारण वहाँ पे आए दिन समस्याएं आ रही है। क्या स्थिति है पानी की यहाँ पे? पानी है ही नहीं साहब यहाँ पे, स्थिति क्या पानी है ही नहीं यहाँ पे, कोई बोतल लेके आना गवर्नमेंट करते नहीं, घरों से पानी लेके आना पड़ता, हम साथ में पानी की बोतल लेके आए। देखो घर से यात्री यहाँ पे करीब 4-5 हज़ार डेली आता है और सब गाड़ियों पर इतनी भीड़ होती है, बहुत पानी की कोई समस्या नहीं है, दोनों प्लेटफॉर्म पर कोई समस्या पूरी बनी हुई है, पानी है ही नहीं। पानी जो यात्री आते हैं वो कैसे अपना जीवन निर्भर करते हैं पानी नहीं होने की? इधर उधर भटकते हैं, होटलों पर पीते हैं पानी, पैसा दे करके पीते हैं, बोतल खरीदते हैं, बस पता है सबको कि पानी नहीं मिलेगा हिंडौन स्टेशन, फिर गर्मियों भरी गर्मियों में तो बिल्कुल पानी मिलता ही नहीं, इनमें तो आता ही नहीं है कभी भी पानी, फिर यहाँ पर क्या है बाजार के लोग आते हैं वो पानी अपना इंतजाम करते हैं, पानी पिलाते हैं। क्या हमेशा ही यही स्थिति है? यही स्थिति है शुरू से, यहाँ तो पहले तो छोटा था, अब बड़ा हो गया, अब भी कोई पानी की समस्या हल नहीं है। आज की स्थिति में क्या सिचुएशन है आपके रेलवे स्टेशन पे पानी? अभी तक तो हमें कोई शिकायत नहीं आई पानी की, अभी तक लोग पानी नहीं है साहब मिल में, तो हमें कोई शिकायत ऐसी नहीं है। देखो पूरे सातों मिल खाली पड़े, आप यहाँ लोग शिकायत ही नहीं है, ड्यूटी तो आपकी है देखने की। आपका नाम? 9040 अवध में भरा हुआ 85। हिंडौन के रेलवे स्टेशन पर 1,00,000 से ज़्यादा यात्री मेले के दौरान आते हैं, जिसके लिए 1,20,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि वहाँ के स्टेशन मास्टर का बताना है कि हमें 35,000 लीटर पानी मिल रहा है, उसी का कारण है कि स्टेशन पर पानी की कमी है, इसके लिए गंगापुर के AN से संपर्क किया जाए, जिससे रेलवे स्टेशन पर पानी की कमी को पूरा किया जा सके। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।